बुलंदशहर में अज्ञात लुटेरों द्वारा ई रिक्शा चालक से लूट का मामला सामने आया है, जहां चार लुटेरे देर रात ई रिक्शा चालक से मोबाइल, नकदी और ई रिक्शा लूट कर फरार हो गए। मामला खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां यूनुस का आरोप है कि देर रात करीब 11 बजे शिकारपुर तिराहे से दो अज्ञात लुटेरे सवारी के रूप में उसके ई रिक्शा में बैठे थे। चालक जैसे ही उन्हें लेकर पहासू रोड स्थित झमका पेट्रोल पंप के निकट पहुंचा, तभी दो और अज्ञात लुटेरे बाइक पर सवार होकर आए और ई रिक्शा रोक दिया। आरोप है कि पहले से ई रिक्शा में बैठे अज्ञात लुटेरों ने अपने साथियों के साथ मिलकर चालक से मारपीट शुरू कर दी और उसके सिर पर धारदार हथियार से वार किया, जिससे ई रिक्शा चालक बेहोश हो गया। तभी लुटेरों ने पीड़ित यूनुस से एक मोबाइल, जेब में रखे 400 रुपये और पीड़ित का ई रिक्शा लूट लिया और यूनुस को घायल बेहोश अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। यूनुस, क्या हुआ आपके साथ खुर्जा कोतवाली में? ऐसा उन्होंने बदमाश थे, हमें मालूम नहीं थी, उन्होंने मुझे लेके बैठा के और मैं झमका के हमें वहाँ छोड़ देना, सीखू के नंगा मैंने कि मैं झमका तक जाऊँगा, बोले मैं बम्बे से पैदल निकल जाएंगे। मैंने बिठा लिया साहब, उन्होंने फ़ोन किया किसी और को कि मैंने क्या कर दो भाई कि हमारे आदमी आएंगे हमें ले जाएंगे, अब हमें पेट्रोल पम्प छोड़ दो। मैंने पेट्रोल पम्प छोड़ दिए, छोड़ने के बाद वो मिलिट्री के पीछे पीछे लगे, मुझे महसूस नहीं हुआ। फिर आगे दो चार कदम चल के थोड़ा सा उन्होंने पकड़ के मुझे मारा, दो मोटरसाइकिल पर आए, उनको देख के वो हट गए, लाइट पड़ी सामने से, तो मैंने उससे मदद मांगी मोटरसाइकिल वालों से, तो वो उसी के साथ ही थे, उसने दोनों ने मुझे मारना शुरू कर दिया, तो दोनों थे दुबके वो भी आकर मारने लगे। कितने लोग थे? कुल 4 थे साहब। अच्छा, मारपीट करी क्या और क्या करा? मारपीट करी, मुझे खूब फोड़ा मोबाइल, पैसे क्या क्या चीज़ ले गए? मोबाइल ले गए, जियो का मोबाइल था मेरा, और 400 रुपये वो ले गए और मुझे मारा, और टीवी भी ले गए। अच्छा, टीवी भी लूट के ले गए? शिकायत दे दी आपने? शिकायत तो दे दी, अभी अंदर ही शिकायत। सुबह होने पर पीड़ित अपने परिवार के साथ खुर्जा नगर कोतवाली पहुंचा, जहां उसने पूरी घटना कोतवाली प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी को बताई। पुलिस भी पीड़ित की तहरीर के आधार पर घायल को मेडिकल के लिए भेज आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज़ के लिए हामिद सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।